सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4th देखने वाले। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, 2000 में निर्माण के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे। बात करें झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2020 से अब तक 2022 तक 6 व्यक्तियों के द्वारा मुख्यमंत्री पद पर सेवा दिया गया है, जिसमें से सर्वाधिक जो व्यक्ति हैं तीन व्यक्ति कौन कौन। पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी, दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और दसवें मुख्यमंत्री रघुवर दास। ये तीनों लोग बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। बात करें शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की, दो व्यक्ति जो कि जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं और एक व्यक्ति है निर्दलीय उम्मीदवार, वह व्यक्ति है मधु कोड़ा। इस प्रकार इन 6 व्यक्तियों के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर सेवा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। अर्जुन मुंडा के द्वारा बात करें झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर सेवा दिया जा चुका है और इनसे जुड़े हुए एक और प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 18 जनवरी 2013 ईस्वी को, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर थे अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2000 में राज्य गठन के समय से झारखंड विधानसभा के चुनाव अब तक कितनी बार हुए हैं। तो ये अब तक कितनी बार हुए हैं, 4 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 3 बार, जिसमें कि पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 ईस्वी को और तीसरी राष्ट्रपति शासन की बात करें 18 जनवरी 2013। पहले और दूसरे राष्ट्रपति शासन जिस समय लागू हुआ उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर थे शिबू सोरेन और तीसरी बार जब लागू हुआ 18 जनवरी 2013 को, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर थे अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है। वह कौन सी रबी फसल है जो कि झारखंड में मुख्य तौर पर उगाई जाती है, चना। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। इसमें यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर की, तो यह झारखंड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है, इनके अलावा सभी वर्गीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, यह सरायकेला खरसावां में है और यह अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना बात करें, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई है। और दलमा अभ्यारण्य की बात करें, इसका क्षेत्रफल या कितना एरिया अस्पताल में फैला हुआ है, तो 193.22 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले के कितने ब्लॉक लिए गए हैं। 6 ब्लॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। चतरा जिला की बात करें, यह स्थित है 99/100। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला लगता है। श्रावण का प्रसिद्ध मेला किस मंदिर में लगता है, बैद्यनाथ मंदिर में। और बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, झारखंड के देवघर जिले में। और बात करें बैद्यनाथ मंदिर की, तो गिद्दौर के 10वें राजा पुरनमल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बैद्यनाथ मंदिर जो कि 12 ज्योतिषलिंगों में से एक माना जाता है और 51 शक्तिपीठों में से एक। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें, यह झारखंड के किस लोकेशन पर यह स्थित है, दक्षिण पूर्व कोने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे। तो कितने ब्लॉक अलग किए गए थे, 8। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र तल से पारसनाथ की ऊंचाई क्या है। समुद्र तल से पारसनाथ की ऊंचाई बात करें तो 1365 मीटर। फीट में बात करें 4480 फीट, अप्रोक्स में 4431 फीट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया।
बात करें गोड्डा जिले की गठन की, तो इसका गठन 25 मई 1983 ईस्वी में किया गया। सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ था? सिमडेगा जिला की बात करें, यह कब अलग हुआ था? 30 अप्रैल 2001 ईस्वी में। और बात करें झारखंड राज्य गठन होने के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद झारखंड में 6 जिलों का गठन किया गया, जिसमें की बात करें 2001 ईस्वी में, तो 2001 ईस्वी में 4 जिलों का गठन किया गया, जिसमें कि जिले हैं लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा। इन 4 जिलों का गठन 2001 ईस्वी में, और 2007 ईस्वी में 2 जिलों का गठन किया गया, जिसमें की है खूंटी और रामगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था? तो इसका किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? 2013 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? सोहराय किसानों का त्यौहार है, जो कि कार्तिक अमावस्या रात के बिहान यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें पशु की आराधना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकार के लिए तैयारी करने किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? तो किस रूप में दर्शाया गया है? हुटा के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न, जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस के तट पर स्थित है? जमशेदपुर की बात करें, यह किसकी तट पर स्थित है? तो यह स्थित है स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का ओवरऑल साक्षरता दर बात करें, वह है 66.4%। पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें, पुरुषों की साक्षरता दर है 76.84%, महिलाओं की साक्षरता दर है 55.41%। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? झारखंड में किस जिले का सबसे कम जनसंख्या है? वह जिला है लोहरदगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? झारखंड की ग्रामीण आबादी की बात करें तो वह कितनी है? 2,50,55,073। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या बात करें 3,29,88,134। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान देश में कौन सा है? झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान बात करें देश में 21वां स्थान है। सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मिश्रा का नाम बदल दिया गया है, और क्या चीज रखा गया है इसका नाम? तो इसका नाम बदल करके रखा गया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या चीज? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2011 में झारखंड रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मुकुंद नायक को। झारखंड में विज्ञान शहर किस जिले में स्थापित किया गया है? विज्ञान शहर जो कि रांची में स्थापित किया गया है। राजमहल की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण झरना शामिल है? मोतीझरा जलप्रपात की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? राजमहल की पहाड़ी में। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले के अंतर्गत दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में जनजाति है? राजमहल की पहाड़ी में झारखंड की कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? वह जनजाति है सूर्य पहाड़ी जनजाति।